सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। बिना पेन और बिना पेपर, मैंने क्या कहा, बिना पेन बिना पेपर मैं आपको मैथ करवाऊंगा आज, कि ताकि आपको खुद यकीन हो कि हाँ मैथ्स भी हम अच्छे से कर सकते हैं और मैथ्स में अच्छा स्कोर भी हम कर सकते हैं। बेसिकली जिनका मैथ अच्छा है वो भी देखें और जिनका मैथ अच्छा नहीं है उनको तो देखना ही देखना है। गिल्ज मेंटोर आपको आने वाले सभी पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स इंक्लूडिंग SSC की प्रिपरेशन करवाएगा। बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस लेके आप तक आएंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मैं आपको एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा वो इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, ताकि आपको पूर्ण तौर पर संतुष्टि हो जाएगी वो ट्विस्ट सुनकर भी क्या आपके लिए आगे होने वाला है। चलिए बहरहाल बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर के 1800 MCQ क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना भी नहीं भूलें। इसके बाद में पंजाब गवर्नमेंट के 500 MCQ, चाहे वो करंट की बात करें, वो अलग से दे रखा है, पंजाब का हिस्ट्री पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के संबंधित बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, अगर वो कर लेंगे मैं गारंटी करता हूं कि आपको पंजाब का GK किन्हीं अलग बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद की बात करें प्यारे बंधुओं, तो आपको पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो करंट की बात करें, हम लोग वीकली टू वीकली आप तक स्टडी मटेरियल लेके आते हैं। अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो आपको विजिट करना होगा गिल्ज मेंटोर SSC फेसबुक पेज पर, ठीक है, वहां से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, गिल्ज SSC मेंटोर सर्च करना होगा, आप गूगल प्लस पर गिल्ज SSC मेंटोर सर्च करना होगा। अगर आपकी कोई भी क्वारीज है तो आप गूगल से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करके हमारे व्हाट्सएप पे जुड़कर आप अपनी क्वारीज भेज सकते हैं। प्यारे बंधुओं, इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि मैक्सिमम नंबर हमारे साथ बच्चों का जुड़ जाना चाहिए। मोटिवेशनल थॉट बहुत अच्छी है कि जब अपने किसी अपने डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझ के अपने अप्लाई करने की कोशिश करना। आई कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, मैं हवा की जो दिशा है उसको कभी चेंज नहीं कर सकता, बट आई कैन एडजस्ट माई सेल टू ऑलवेज रीच माई डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे मेरे व्यक्तित्व के तौर पर की बात करूं तो मेरे इरादे, मेरे जो मेरा टारगेट है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको मैं जरूर चेंज करके चलूंगा। जैसा कि मान लो कि आप, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप मान लीजिए SSC की तैयारी कर रहे हैं और SSC में आपका एक लक्ष्य है लेकिन SSC का पेपर डिले है, तो आपके सामने जो भर्ती है उसका पेपर भी आप दें, तो यही आपकी मंजिल है, मतलब सरकारी नौकरी लगना। चलिए बिना पेन बिना पेपर DDF की कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और आपका सबका टेस्ट होगा इन सभी की सभी सीरीज के अंदर। चलिए देखो, बहरहाल इस क्वेश्चन को करने के 4 से 5 तरीके होते हैं, आपको बहुत अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग बताया होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यही तरीका अप्लाई करते हैं। वो क्या करेंगे, 35/100 इंटू 580 प्लस में 28/100 250 माइनस में 32/100 इंटू 450 इज इक्वल एक्स। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे साथ एग्री होंगे सारे बच्चे, यानी आप में से 40% लोग इस तरह से करते हैं। दूसरा तरीका देखो, करने का तरीका क्या है, इनको ऊपर नीचे वैल्यू को कट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका अप्लाई क्या करते हैं पेपर में, वो ये करेंगे कि 580 का 30% निकाल लेंगे, फिर 5% निकाल लेंगे लाइक, ठीक है, तो इस प्रकार से, फिर यहां पर 25%, जैसे मान लो कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, जैसे आपने लिखा 7/20 इंटू 580 प्लस में आपने लिखा कि 7/25 इंटू 250, यहां पर लिखा आपने 8 और यहां लिखा आपने 25 इंटू 450, ठीक है, इससे आपको कैंसिल करना भी आसान होगा यह प्रक्रिया। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको कभी ऐसा तरीका नहीं करवाने वाला, यार ऐसा करना ही नहीं है। अगर आपने ऐसा करना तो गिल्ज मेंटोर को कभी नहीं फॉलो करें। बेसिक आपको एक प्रक्रिया समझाता हूं, प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास सम ऑफ डिजिट 9 बन जाए, तो उसका मतलब आपने 0 कर देना है। कैसे कर देना है, जैसे देखो मेरे पास है 2, 3, 5, मेरे पास है 7, मेरे पास है 1, ठीक है, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मान लीजिए किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, मान लो मैंने भी 639 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अब आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना है, आपका मतलब सम ऑफ डिजिट का मतलब यह है कि चाहे तो आप इसको ऐसे जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 1,
देखो कैसे मैंने 9 कहा। देखो अब आप कैसे काट कर सकते हैं कि 2 यह रहा, 7 यह रहा, इसको 0 समझ लीजिए। अब 0 समझ लिया, 5 और 3 8 और 1 9 0 समझ लिया। जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मेरा क्या बन जाता है, कंप्लीट 0 बन जाता है। अब देखो कि मैंने कहा 0 कर दीजिए, आपने कहा सर क्यों कर दीजिए, इसको जोड़ के देख लीजिए, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 2 कितने होते हैं 18, 18 की बात करें सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 9। बात तो वहीं आ गई, अगर बिगिनिंग में कर देंगे तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों हम इस पूरी की पूरी सीरीज को मैं आपको करवाने वाला हूं, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन होंगे। फटाफट से मैं इसको इरेज कर, किसी स्टूडेंट का एक मैसेज था मुझे, बोले सर ये अप्रोक्सीमेशन पे फंडा नहीं लगेगा। मैं कहता हूं कि मुझे क्वेश्चन भेजो, आप क्वेश्चन भेजो अगर आपके पास है तो मैं लगा के बताऊंगा कैसे लगाना है। देखो हाउ कैन वी डू इट, अगर मैं 35 बटा 100 करता हूं, जैसे मैं यहां समझा देता हूं, 35 के बटा में 100 किया, ऊपर कितना बना 8 बना, नीचे बना 1, अगर 8 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। बेसिकली मेरे डीडीएफ का नाम है डिजिटल दिमाग का फंडा, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, इनका मतलब 8 बन गया, मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 13 का मतलब 4 बन गया, देखो 10 का मतलब 1 बन गया, इंटू करेंगे 7 बन गया, माइनस करेंगे 3 और 2 5 होता है, इंटू जब 5 और 4 9 होता है, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 बन गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 चौका 32, 32 में होता है 3 और 2, 3 और 2 का मतलब 5, प्लस में 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, माइनस में 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल एक्स, इन दोनों का मतलब कितना बन गया 7 और 5 12, 12 का मतलब होता है 3, 3 में हम क्या लेस करें, ठीक है इनके बराबर मतलब यहां पर वैल्यू आ जानी चाहिए, आई मीन कि एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 निकलेगी। अब इसमें से देखो 2 और 5 7 और 1 8 कोई मतलब नहीं है, ये बन गया 10 और 1 11, 11 का मतलब होता है 2 नहीं आंसर बनेगा, 10 और 1 11, 11 का मतलब 2 आंसर नहीं बनेगा, ये बन गया 9 कट गया और ये बन गया 3, ठीक है ये 9 कट गया ये बनेगा 5, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगर आपको मजा आया तो इसको आपको अपनों की कसम है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, टेलीग्राम पे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आप जितना शेयर करेंगे मुझे उतनी एनर्जी मिलेगी और मैं आपके लिए इससे भी खतरनाक क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। प्यारे बंधुओं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, देखो बहुत सारे बच्चे और भी उलझन में घुसेंगे यहां पर, वो पहले तो इनको 13 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर 38 को इससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, फिर वो एक्स की वैल्यू गिनेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवाने वाला, बेशक मैं एक ऑप्शन पे चलता हूं फटाफट से, मुझे ऑप्शन पे ये देखना है कि जिसका 9 बन रहा है ना उसको खत्म कर दीजिए, किसी का 9 नहीं बन रहा। चलिए बहरहाल इसका मतलब 4 बन गया, 7 और 4 11, 11 का मतलब 2 बन गया, माइनस इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट बहुत ही आसान होता है, मैंने इसके लिए आपको जितने भी स्क्वायर रूट निकालने की छोटी सी प्रोसीजर उसके वीडियो दे दिए हैं, वो आपको मालूम चल जाएगा। मैंने कहा था भी किसी भी नंबर के अंत में 5 है तो इसका मतलब वो 5 से आया है, ठीक है इसके साथ में एक डिजिट को छोड़ देंगे। 72 से जस्ट छोटा स्केयर कौन सा होता है, यानी 72 से होता है 64, 64 किसका होता है 8 का, तो ये 85 का स्केयर रूट है, तो मैंने एक काम कर लिया यहां पर, मैंने 85 का मतलब भी, इसका मतलब 85, 85 का मतलब 13, 13 का मतलब 4, माइनस में 8 और 3 11 का मतलब 2 और इंटू कर देंगे 0, मतलब ये हो गया कि ये तो वैल्यू खत्म हो गई भाई, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, ये हो गया 4 दुनी 8 माइनस में 4 इज इक्वल एक्स, तो मतलब ये अपने पास आंसर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 47 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 साथ ही 91 बच गया 9, ठीक है 13 दूनी कितना 13 चूंकि 52 और 9 कितने होते हैं 61, ठीक है गाइज ये हमने ऐसे लिख लिया। अब यहां पर मैंने 85 लिख लिया, माइनस में मैं करूंगा 38 और 450 इंटू 38 बटा में 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 9 पंजा 45, 5 दूनी 10 और इसको 19 लिख लिया, तो 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है 9161, ठीक है 171, ठीक है। तो अब देखो अपने इनका आंसर निकालेंगे, माइनस के दोनों नंबरों को जोड़ देंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 6 और 8 और 15 और ये हो गया 256, इसमें से 256 माइनस कर देंगे तो अपने पास बच गया 5, यहां 10 में से 5 और 5 में से 3, तो ये अपने पास आंसर आ गया। गाइस अपने इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर आंसर पर पहुंचना था तो मैंने ये आंसर निकाल लिया, मैंने डीडीएफ से क्या आंसर निकाला था 4, अब मुझे ऑप्शन में 4 देख लेना, इसका मतलब 5 बना, 6 और 2 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 बना, देखो 5 और 5 10 और 3 13, 13 का मतलब कितना करना होगा कि एक मैंने आइडिया रख लेना है कि मैंने लास्ट डिजिट देख लेना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आता, इसका 5 आता,
ठीक है, और इससे मेरे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब पिछला जो अंक आएगा वो 5 आएगा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता था। अब इन दोनों के अंदर हमारा आपको डेफिनेटली काम देगी, उस प्रक्रिया को अंत में समझाऊंगा ताकि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है गाइस, इसका लॉजिक याद रखेंगे कि डिजिट्स को जोड़ने पर 4 बनना चाहिए, न कि डिजिट्स को काट के 4 बनना चाहिए। बाकी आगे मैं आपको क्वेश्चंस पे और डिफरेंट इसका बताता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आपने निकालना है और ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, जस्ट फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, बिना पेन बिना पेपर करने की कोशिश करें आप, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं इसलिए। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब देखो डिवाइड वाला मैंने दिया है, हर मैंने तरीके का नया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। कैसे करेंगे, ये 9 तो खत्म हो गया, देखो 3 और 1 4 तो 6 बन गया, ठीक है, डिवाइड करेंगे और दोनों 11 11 का मतलब बन गया 2, ठीक है, प्लस का सिंबल करेंगे तो ये हो गया 87 का, माइनस में करेंगे तो ये हो गया 7 × 4। मेरे प्यारे बच्चों 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 3, प्लस में 15 15 का मतलब बन गया 6, माइनस में 7 चौका 28 28 का मतलब बन गया 10 10 का मतलब 1, 9 में से 1 गया तो अपने पास आंसर क्या आया DDF का मतलब 8। मेरे प्यारे बच्चों 8 आंसर आएगा। अगर आप इसको प्रक्रिया से अपने तरीके से करें, आई डोंट नो आप क्या आंसर निकालना चाहेंगे, आप किस मुद्दे पर पहुंचेंगे, किस तरह से आपको करना होगा, बट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपके दिमाग में कोई मैंने आपके सामने लिखा है और मैंने खुद इसमें गलती की है, और किस लिए किया आपको समझाने के लिए, मैंने इसलिए लिखा था कि मैंने आपको शुरू के अंदर बात बताई थी भी जब भी 9 बन जाए उसका मतलब क्या कर देंगे आप, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जीरो कर देंगे। लेकिन हमने यहां पर क्या करना था, 0 - 1 इज इक्वल एक्स, तो मतलब क्या निकला था, माइनस का 1 ही हमारा आंसर होगा। मेरी बात को अच्छे से कंसीडर करें, समझें, इसका मतलब 7 बन गया, 13 का मतलब 4 बन गया, 7 बन गया, ये 11 2 बन गया, इसका मतलब 10 बनेगा, यही आपका आंसर है। चैप सोल्यूशन करके देख लीजिए, यानी सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास काफी समय लगेगा, काफी आपको अपना वक्त जाया करना पड़ेगा, बेशक आप अपनी कॉपी पे निकाल कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, पेपर में काम क्या करना है, इसका मतलब 9 बन गया, ये इसका मतलब 3 × 2 = 6 बन गया, 7 × 2 = 9 बन गया, 8 में डिवाइड करेंगे 4 का, माइनस में कितना हो गया 5 × 8, ठीक है, इज इक्वल एक्स हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6, बीच में यहां पर सिंबल किसका था, माइनस का, माइनस करेंगे 8 में 4 का डिवाइड किया 2 आया माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 40 40 का मतलब 4 आया, इज इक्वल एक्स हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका आंसर निकालना है पर्टिकुलर, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 6 - 6 = x, तो इसका मतलब कितना निकला अपने पास, x, इसका x की वैल्यू 0 निकली है। तो यही अगर आप प्रोसीजर से करेंगे, देखो प्रोसीजर से करेंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, 12 को 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो या तो 30 मानकर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं, 12 नहीं मैं 108, 10 बच गया, 12 × 2 = 24 और 10 कितना हो गया 34। अब इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, तो 13 का डिवाइड करेंगे 728 में, 13 × 5 = 65 5 तक चला गया, उसके बाद में कितने बच गए, 13 × 5 = 65 7 13 × 6 = 78 56 बच गए। ठीक है, 56 को माइनस कर लीजिए या इसमें से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, 350 है, 350 × 32% बटा में 100 करेंगे, 0 से 0 कट गई, 7 × 5 = 35 5 × 2 = 10 16 × 7 = 112 112 को इसमें ऐड कर लीजिए कितना बन गया 168 में से 348 माइनस करेंगे 0 और 8 और ये बन गया अपने पास -180 आपका आंसर बच गया। तो अब आपको मैंने क्या तरीका बताया था, जीरो, ठीक है, अब आप जीरो कैसे निकालेंगे, देखो 10 और 1 11 ये तो आंसर होगा नहीं, और ये हो गया 2 आंसर बचेगा, 9 और 7 ये भी आंसर नहीं बचेगा, ये भी आंसर नहीं बनेगा, इसका मतलब बन गया 9, 9 का मतलब होता है 0 और बताइए 180 बराबर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपको काम करना है, जब भी पेपर में इस प्रकार की कैलकुलेशन आ जाए उसको खा जाए, लेकिन गिल्ज मेंटोर को नहीं भूलें। ये क्वेश्चन देखो मैं पॉइंट्स का क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में होगा कि सर हम लोग पॉइंट्स पे कैसे करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई के सिखाए, प्लस के सिखाए, डिवाइड के सिखाए, रूट वाले सिखाए, अब मैं आपको इस पॉइंट वाले भी सिखा देता हूं। देखो 6 और 2 = 8 और 2 = 10 10 का मतलब 1 इंटू ये 2 कट गए कितना बन गया 9 9 का मतलब होता है 0 मतलब ये मर्ज होगी खत्म होगी वैल्यू। इसकी बात करें 5 5 में डिवाइड करेंगे 8 कितना 15 15 का मतलब ये माफ करना 6 और 8 = 14 का मतलब 5 माइनस में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास हो जाएगा इसका मतलब भी 0 हो गया। ठीक है ओवरऑल किस्सा क्या निकल के आया ये प्लस की 5 में 5 का डिवाइड करेंगे 0 मतलब ये निकल के आया कि x के बराबर आपको क्या निकालना होगा 1 निकालना होगा। ठीक है गाइज तो यही आपका आंसर है। कमेंट बॉक्स में आंसर निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसर निकाल के मुझे जरूर बताएं कि सर क्या आपका आंसर होगा। ठीक है गाइज
थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आपको समझाए थे, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। और अब आपकी ट्विस्ट की बात करते हैं। देखो ट्विस्ट ये है कि मैं आपको संडे के दिन यानी कल के दिन आपके लिए एक लाइव क्लास होगी जिसके अंदर आप जरूर जुड़ें, और आप अपनी कोई भी क्वारीज है, ठीक है, कोई भी अगर आप पूछना चाहते हैं वो मुझे भेजेंगे, मैं आपके आंसर्स दूंगा। इसके साथ बताना चाहूंगा कि नंबर एक की बात करें, नंबर दो की बात करें, अपकमिंग जो भी हमारा टारगेट होगा उस पर डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद में पीएससीबी क्लर्क पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है। और आपने न्यूज देख ली होगी कि पटवारी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है, ठीक है, और इसकी क्या क्या आगे रिक्वायरमेंट रहेगी, और क्या आपको 120 घंटे का सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सभी उलझे हुए सवालों के साथ मैं आपके लिए संडे के दिन मौजूद होऊंगा। उससे पहले आपको आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। लाइव क्लास के साथ, लाइव सेशन के साथ जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें, और आगे शेयर करना भी नहीं भूलें। सतर्क रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और क्योंकि आने वाली किसी न किसी कुर्सी पर आप डेफिनेटली बैठने वाले हैं अगर आप मेहनत करेंगे। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।